हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आयशा किचन जायका। आज हम बनाने जा रहे हैं स्पंज वाले रसगुल्ले। उसके लिए हमने ये 1 लीटर मिल्क लिया है। ये बॉईल हो चुका है हमारा, हमने पहले से ही बॉईल करने के लिए रख दिया था। ये विनेगर है, वाइट विनेगर, ये डाल देंगे ऐसे। 1-2 टेबल स्पून विनेगर डाल देंगे और गैस को बंद कर देंगे और एकदम स्लोली स्लोली अपना स्पून इसमें चलाएंगे ताकि ये छेना बन जाए, एकदम स्लोली स्लोली। ये देखिए, ये पानी अलग हो चुका है और ये पनीर हमारा अलग हो चुका है, पर अपने चम्मच को एकदम स्लो स्लो चलाना है। अब इसको 2-3 मिनट तक इसी में रहने देना है ऐसे ही। देखिए, अब इसको 5 मिनट हो चुके हैं, हल्का हल्का ठंडा हो चुका है। ये एक बड़ा बर्तन लेंगे, उसके ऊपर एक छन्नी रखेंगे और कोई भी सॉफ्ट सा कॉटन का कपड़ा रखेंगे जो कलर नहीं छोड़ता हो, वाइट हो या फिर कैसा भी लाइट कलर का होना चाहिए, बस कलर नहीं छोड़े। अब इसमें ये हम अपना डाल देंगे, केयरफुली डालेंगे, आराम से सारा पानी निकाल देंगे। अब ये ठंडा पानी लेंगे और इस पे डालेंगे ताकि हमने जो विनेगर डाला था उसका खट्टापन निकल जाए। अच्छे से इसको वॉश कर लेंगे ठंडे पानी से। ये देखिए, ये ठंडा हो चुका है। इसको ऐसे उठा के अच्छे से इसका पानी निकाल देंगे। ये देखिए, इसका पानी अच्छे से निकल चुका है। देखिए, इसको ऐसे रखेंगे, इसके ऊपर कोई भी एक प्लेट रखेंगे और कुछ वजन वाली चीज रख देंगे, कुछ भी भारी चीज होनी चाहिए। इसको रख देंगे कम से कम 15 मिनट के लिए ताकि इसका पानी जो हो वो अच्छे से निकल जाए। अभी हमारे छेने में से ये जो पानी निकला था, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ में डाल सकते हैं, कढ़ी बनाने में, चावल बनाने में, ये वेस्ट नहीं होता है। ये 1 लीटर हमने पानी रखा है गर्म करने के लिए, उसमें 1.5 कप शुगर डाल देंगे। इसका जो शीरा बनता है वो एकदम पतला बनता है, ज़्यादा थिक नहीं होता है, क्योंकि हमारे रसगुल्ले शीरे में ही पकेंगे। चीनी अच्छे से मेल्ट कर लेंगे, इसको ढक देते हैं। अब देखिए, खोल के देखते हैं। ये देखिए, हमारी चाशनी में भी अच्छे से बॉइल्ड आ चुका है। अब इसको स्लो कर देते हैं। अब अपना छेना देखते हैं। ये देखिए, इसका पानी एकदम निकल चुका है, बिल्कुल भी नहीं है। अब इसको ऐसे तोड़ देते हैं, किसी बड़े बर्तन में ही निकालिए। अब इसको अच्छे से मसल लेते हैं। ये देखिए, ये एक साथ अच्छे से हो चुका है। इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर डालेंगे, 1/2 टीस्पून मैदा ये डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके मसल लेंगे। इसको ऐसे हथेली से अच्छे से मसल लेंगे। अब ये देखिए, कितना सॉफ्ट सॉफ्ट हो चुका है एकदम। अब इसमें से एक ऐसे छोटा सा लेंगे और स्लो हाथ से
ऐसे राउंड कर लेंगे। ये देखिए अभी इसमें थोड़ा क्रैक आ रहा है, ये क्रैक नहीं आना चाहिए, हल्का सा और करेंगे इसको, मस लेंगे। अब इसमें से थोड़ा सा ऐसे लेंगे और ऐसे हल्का सा ऐसे मसल के और धीरे धीरे उसका एक गोल बना लेंगे। ये देखिए ये हमारा रसगुल्ला बन गया, इसको साइड में रख देंगे। अब ऐसे ही सब बना लेंगे। ये हम अपना लास्ट भी कर लेते हैं, ये हो गया। ये हमारे 1 लीटर में से 9 रसगुल्ले बने हैं। अब ये देखिए ये चाशनी हमारी अच्छे से गर्म हो चुकी है। ये देखिए हमारी चाशनी में बॉईल आ रहा है। अब ये एक रसगुल्ला लेंगे और ऐसे हल्का सा ऊपर से डालेंगे, पर केयरफुली डालेंगे, छीट ना ही आए, एक एक करके। अब इसको पकने देंगे 2-3 मिनट तक, फिर ढक के पकाएंगे। ये देखिए हमारे रसगुल्ले थोड़े थोड़े बड़े हो चुके हैं। अब गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसको हल्का सा ऐसे खुला हुआ ढक देंगे, आधा हाफ खोल देंगे, हाफ ढक देंगे। अब ये 5 से 7 मिनट तक ऐसे ही ढक के पकाएंगे। ये आधा कप हमने पानी लिया है, इसमें 4 टेबल स्पून चीनी डाल देंगे। ये एक चाशनी बना लेंगे थोड़ी ज़्यादा मीठी सी, क्योंकि उसमें हमने चीनी बहुत कम डाली है, तो इस वजह से रसगुल्ले फीके फीके लगेंगे। तो ये एक चाशनी बना लेंगे, फिर ये रसगुल्लों में डालेंगे। ये देखिए 7 मिनट्स हो चुके हैं, हमारे रसगुल्ले एकदम रेडी हो चुके हैं। ये देखिए अब ये 1 कप में ठंडा पानी लिया है, इसमें डाल देंगे। ये देखिए ये ऊपर आ गया, इसका मतलब ये अच्छे से बन चुका है। चलिए अब इसको निकालते हैं। ये जो हमने चाशनी बनाई थी जो गाढ़ी वाली, उसमें अपने रसगुल्ले डाल देंगे एक एक करके। ये हमने रसगुल्ले अपने चाशनी में डाल दिए हैं। अब ये जिस पानी के साथ बॉईल हुए थे, ये भी चीनी का पानी है मीठा, ये डाल देंगे, अच्छे से डुबो देंगे। चलिए अब इसको सर्व करते हैं। ये हो चुके हैं हमारे रसगुल्ले रेडी, देखिए कितने सॉफ्ट हैं एकदम। ये देखिए पूरे अच्छे से दबे जा रहे हैं। ये देखिए कितना अच्छा स्पंज बना है। इसको ठंडा करके फ्रिज में रख के ठंडा करके खाइए, बहुत टेस्टी लगते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।